हेलो माय डियर्स, एमएल इंग्लिश अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और हम ये नाउन का मेरा सेशन चल रहा है। नाउन का यह 13 लेक्चर हम कर चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप लेक्चर 1 से आए। फिर भी अगर आप ये लेक्चर देखना चाहें तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी भी कम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, CCL हो, CDS हो, MTS हो, CHSL हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार हमारा लेक्चर पूरा जरूर देखिए, सिर्फ एक बार, है ना। आप लोग तो जनता जनार्दन, हर किसी को मौका देते हैं, हमें भी एक मौका दीजिए। एक बार आप कोई लेक्चर अटेंड करिए पूरा, फिर आप जज करिए। हम मानते हैं कि ब्रांडेड ब्रांडेड होता है, आई नो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ब्रांडेड खा रहे हैं और हर सड़क के किनारे बेचने वाला आदमी आपको गलत सामान खिला पिला रहा है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, ब्रांडेड सत्तू लेते हैं जो पॉकेट में कवर है, इसका मतलब सड़क के किनारे बेचने वाला हर सत्तू बेचने वाला बेईमान तो नहीं। एक बार उन्हें भी मौका देना चाहिए, है। तो मैं कोई हनुमान नहीं सीना फाड़ को आपको दिखा दूं कि आप पढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। बस अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी टीचर के पास, अगर आपको विश्वास नहीं है कि जिंदगी होगा तो वाकई में आप वहां से नहीं कर सकते। अब विश्वास रखिए, है ना, विश्वास रख के आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। आपको खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप यहाँ से भी सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, पॉइंट है कि एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव के पहले द लगाकर द लगाकर प्लुरल प्लुरल नाउन। देखिए, आप कंफ्यूज मत करें कि भाई एडजेक्टिव पहले प्लुरल, एडजेक्टिव का प्लुरल बनाया कैसे। अभी 1 मिनट की पेशेंस। एडजेक्टिव के पहले द लगाकर प्लुरल नाउन बनाया जाता है। ठीक है, तथा इनके बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे आप ये बनाइए, ट्रांसलेशन बनाइए, तो धनी बेईमान होते हैं, ये बनाइए। यहाँ पर धनी क्या है, एडजेक्टिव है ना, धनी या गरीब, तो यहाँ पर इसका यूज एडजेक्टिव है बट यहाँ पर नाउन की तरह यूज होगा, है ना। तो आप रिच मीन्स क्या होता है, धनी, तो आप एक बना दीजिए और आप कहेंगे भाई इसका पुलर, बहुत सारे लोग की बात हो रहा है, धनी लोग, तो रिचेज आर डिसऑनेस्ट। ओके, तो देखिए ये हो गया गलत, क्योंकि हम कुछ पिछले सेशन में हम जाने जाने थे कि रिचेज मीन्स क्या होता है, धन दौलत, क्या होता है, धन दौलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन दौलत बेईमान होते हैं। यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव के पहले द लगाकर प्लुरल बनाया जाता है, प्लुरल नाउन बना जाता है, तथा इनके बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या, धनी का यूज, धनी भले एडजेक्टिव है लेकिन उसको नाउन की तरह यूज किया गया है ना,
तो जब भी इसको एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज होगा है ना, तो आप उसके पहले द लाकर उसका प्लूरल बनाएंगे, तो इसका क्या होगा, द रिच आर डिसऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट, उसमें पुअर्स नहीं करेंगे ठीक है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव के पहले द लाकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है तथा इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देख लिए एडजेक्टिव में कभी भी है ना, तो लोग यहाँ भी फंस सकता है, बिल्कुल फंस सकता है, क्यों नहीं फंस सकता, क्योंकि आप इतना दिन से ट्रांसलेशन बना रहे हैं, कभी आपने इस चीज पर गौर नहीं किया कि भाई रिचेज हम क्यों नहीं कर सकते, इसको कैसे बनाएंगे, छोटी सी बात है कि धनी बेईमान होते हैं, है ना। ठीक है क्लियर। एडजेक्टिव के पहले द लाकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है तथा इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द रिच आर डिसऑनेस्ट, जैसे यहाँ पर आर क्या हुआ, प्लूरल वर्ब। क्या ये सब पॉइंट आप पढ़े थे, चलिए यहाँ पर देखिए इसको क्लियर कर दूं मैं। अरे यार चलिए, तो इसी प्रकार द ओल्ड मतलब क्या होगा, बूढ़े लोग है ना, बूढ़े लोग बहुत सारे बात की हो रहा है ना उसमें, फिर द यंग, ये सब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, द यंग जवान व्यक्ति, द निडी, द निडी जरूरतमंद लोग, क्या इसका मतलब, जरूरत, ये सब एडजेक्टिव है बट उसको नाउन के तरह यूज किया गया है। तो एडजेक्टिव को अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं नाउन के तरह, तो उसके पहले द लाकर प्लूरल बनाया जाता है तथा उसके बाद प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जस्ट अभी हमने एक एग्जाम्पल से आपका डाउट ये क्लियर किया, द ओल्ड क्या होगा, बूढ़े लोग, द यंग, द नीडी जरूरतमंद लोग, ओके, द वर्चुअस, द वर्चुअस मीन्स क्या, गुणवान लोग, क्या होता है गुणवान लोग, अब कोई कह जाएगा भाई बनाओ, गुणवान लोग अमीर होते हैं है ना, तो क्या बनाइएगा, वर्चुअस एज, उसमें एस लगा दीजिएगा, ई एस लगा दीजिएगा, तो द वर्चुअस आर वेल टू डू, वेल टू डू मीन्स अमीर, इडियम्स है, गुणवान लोग ठीक है। द सिक मीन्स बीमार लोग ठीक है, ये भी नोट डाउन करिए उस पॉइंट के नीचे, उसी का पार्ट है। ठीक ओके मैं क्लियर कर दूं, देखिए सेकंड पॉइंट, ईट फूड, ईट लंच, ईट ब्रेकफास्ट, ईट ब्रेकफास्ट, ईट डिनर, ईट डिनर, लिखना गलत है, लिखना गलत है, सही शब्द, सही शब्द टेक फूड, टेक लंच, टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट, टेक डिनर होता है, टेक डिनर होता है। ओके जैसे एग्जाम्पल में आई एम ईटिंग फूड,
दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम ईटिंग फूड। ओके, आप कैसे बोलेंगे? आई एम टेकिंग फूड। देखिए, हाँ, ये चीज आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, हमारा क्या काम है, छोटा से लेकर बड़ा पॉइंट तक हर चीज बताना, ठीक है? तो आई एम टेकिंग फूड। ओके, अब देखिए, अब आप पूछेंगे ये चीज कि भाई सब ठीक है, पर सर आप इट मीन्स भी तो खाना होता है, तो वो कब लगाएंगे? तो भोजन से रिलेटेड हो, इतना याद रखिए, जो भोजन से रिलेटेड जिसे खा के एकदम पेट भर जाए, ठीक है? जिसको हम खाने के टाइम में खाते हैं, रात में, सुबह में, जो हमारा टाइमिंग है। वैसे रोटी, अमरुद खाए है ना, रोटी खाए इत्यादि, इस सब के लिए क्या है नॉर्मल, जिसको कि हल्का फुल्का कोई चीज खाते हैं, तब वहां पर हम ईट ईट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए हमें इसको इरेज कर दूं, इसी में नोट, इसी पॉइंट के नीचे लिखेगा नोट, किसी वस्तु को खाना, ठीक है? किसी, चलिए इसको हम ऐसे ही समझा लेते हैं, नॉट। ऐसे क्या आप यहाँ लगा सकते, जैसे कि आई एम हल्का फुल्का जो है ना, भोजन भोजन से जो रिलेटेड होगा, जिससे कि एकदम पेट भर जाए, तो वहां पर लगता है क्या टेक फूड। यहाँ पर आई एम ईटिंग अ मैंगो, बिल्कुल लगा सकते हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ओके, ठीक, जैसे रोटी ही हुआ, ठीक है, भोजन है, बट आपने एक रोटी खाया है ना, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप ब्रेड के पहले, ब्रेड चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप ये कह सकते हैं आई एम ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है? तो कभी भी आप जैसे कि फूड हुआ, खासकर ये चीज याद रखिएगा, फूड हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, इसमें आप ईटिंग का यूज नहीं कर सकते, बल्कि टेक आएगा। नॉर्मली ईटिंग आता है, बट ये सब चारों में क्या आएगा? टेक फूड आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पर डे, पर मंथ, पर मंथ, पर ईयर लिखना क्या है? गलत है, लिखना गलत है, सही शब्द पर डीएम, PERDIEM, पर डीएम, पर मेंशन एंड क्या होता है, पर एनम, पर एनम होता है, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही यर्न्स, माने वह कमाता है, थ्री थाउजेंड, क्या थाउजेंड में से लगा दे, एक एक पॉइंट पे भी बताएंगे, थाउजेंड में से नहीं लगेगा, 3,000 पर मंथ, ठीक है? सही शब्द क्या होगा? ही यर्न्स 3,000, 3,000 पर मेंशन, पर मेंशन। ओके, दैट इज योर करेक्ट। ये क्या हो गया? लाइन कट गया, ये हो गया गलत।
1 मिनट। ठीक है, चलिए। पर मंथ, पर डे, पर मंथ, पर ईयर लिखना गलत है। सही शब्द क्या होता है? पर डियम, पर मेंसम, पर एनम। ओके, चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं। आप लोग साथ साथ में कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है? पार्टिकुलर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ऐसा नहीं है, आप साथ में लेकर बैठिए, लिखते जाइए। चलिए, सब मजा आ रहा है। इसे पहले जाने थे पर डियम, पर मेंशन, पर एनम। पर डियम देखिए, ये सब साथ में ही है, ये पार्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं, अलग नहीं। पर एनम, पर डियम, पर मेंशन, पर एनम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। डजन, हंड्रेड, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन इत्यादि। शब्दों के पहले वन, टू, थ्री इत्यादि लगा रहे तब इनमें एस लगाकर, एस लगाकर इनका प्लुरल नहीं बना जाता है। एस लगाकर इनका प्लुरल नहीं बनाया जाता है। ओके, नहीं बनाया जाता है, ठीक है? यह जौ है बाबू, जौ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू थाउजेंड्स हैव 2,000 रुपीज, ठीक है? फिर आप बनाइए, आई हैव 2,000 रुपीज। बताइए कौन सही है, कौन गलत है? पॉइंट क्या कर रहा है कि डजन हो, हंड्रेड हो, थाउजेंड हो, मिलियन हो, बिलियन इत्यादि के पहले 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि है ना, इत्यादि लगा रहे तब इसमें एस लगाकर इसका प्लुरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है? जैसे आई हैव 2,000 रुपीज, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर इसका प्लुरल बनाया। आप इसमें क्या किया, यहाँ पर प्लुरल बना दिया ना, बट ये क्या हो गया, रॉन्ग, करेक्ट ये हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है? इसमें भी नोट लिखिएगा आगे। लिख लिए सब। चलिए आगे आगे हम बढ़े, आपकी इजाजत हो तो। चलिए, आप इजाजत नहीं देंगे तो भी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा काम है आगे बढ़ना, है ना? बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ये जीवन आगे बढ़ते ही रहता है। मर जाओगे, मिट जाओगे, निर्झर झरना ये कहता है। नदी कभी रुका है? नहीं, है ना? ये नदी से सीख लीजिए कि बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते ही रहो।
मर जाओगे मिट जाओगे, निर्जर झरना यह कहता है। कुछ हमको ये पार्टिकुलर लाइन था, कविता है, हमको ठीक से याद नहीं। चलिए जितना से काम हो जाए उतना बता दें, क्लियर कर देते हैं इसको। नोट में क्या लिखिएगा, देखिए, परंतु उसी पॉइंट का है, आप कॉपी में लिखे ना, परंतु ऊपर लिखे, अभी जस्ट मैं तो इरेज कर दिया, बट आपने कॉपी में उस पॉइंट पर नोट किया ना अभी, परंतु ऊपर लिखे शब्दों के पहले, वन टू थ्री इत्यादि न लगा रहा है, इत्यादि, अरे कोई गिनती सूचक शब्द ना लगा रहा है, इत्यादि न लगा रहा है, ठीक है, अर्थात अर्थात जब इनका अर्थ दर्जनों सैकड़ों ओके हजारों इत्यादि इत्यादि रहे, तब इनमें एस लगाकर एस लगाकर इनका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि डजेंस, क्या कह रहा है, जैसे कि हमने जाना भी, डजन, 100 मिलियन, 1000 बिलियन, इसके पहले अगर कोई गिनती सूचक शब्द जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब लगा रहा है, तो तब इसमें एस लगाकर इसका पूरा नहीं बना जाता। जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्या देखा, आई हैव 2000 रुपीज, तो थाउजेंड्स नहीं बोलना है, बोलना है आई हैव 2000 रुपीज, ठीक है। लेकिन जब ऐसा नहीं लगा रहा है, उसके पहले 1 2 3 4 5 गिनती सूचक शब्द ये सब नहीं लगा रहा है, अर्थात जब इनका बोध दर्जनों सैकड़ों इत्यादि में हो, तब इसमें एस लगाकर इनका प्लूरल बनाया जाता है ना, कहते हैं कि हजारों लोग मारे गए, दर्जनों लोग बेघर हो गए, है ना। तो क्या डजन्स डजन्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि दर्जनों लोग मारे गए पुलिस के फायरिंग के परिणाम स्वरूप, उसके कारण जो है वो दर्जनों लोग मारे गए, ओके। तो यहाँ पर इसका बोध दर्जनों में था, है ना। आप ऐसे बोल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर वास्ट अवे एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लोट, मतलब हजारों लोग बह गए बाढ़ में, ठीक है। तो डजन्स ऑफ पीपल वेर किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग, लोग 1 महीना में पूरा इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, 1 महीना में बहुत सारे देख रहे हैं उसको, मिलियन में व्यू, वाह। चलिए बेवकूफ बनाना आना चाहिए लोगों को, बनते रहे बढ़ते रहे। चलिए देखिए, मेरा काम है, आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, आप पढ़िए, बहुत सारी बात है जिसके दिमाग इधर से उधर किया जा सकता है, लेकिन दिमाग को शांत रखना। देखिए, शरीर जितना घूमते रहे वो अच्छा है हमारे लिए,
लेकिन मन जितना स्थिर रहे वो बढ़िया है हमारे लिए। मन को स्थिर रखें, है ना। मन एक आसान पक्षी है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ओके, ये समझ के पॉइंट। जब उसका अर्थ जो होगा दर्जनों सैकड़ों हजारों रहे, है ना, उसके पहले 1 2 3 4 5 इत्यादि गिनती सूचक शब्द ना लगा रहे, जब इनका अर्थ दर्जनों सैकड़ों हजारों इत्यादि रहे, तब इसमें से लाकर इनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे डजन्स ऑफ पीपल वी आर किल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग। तो यहाँ पर डजन में देखिए ना, डजन में क्या लगाया गया, एस लगाया गया ना, डजन में एस लगाया गया ना। लेकिन वहीं पर कहते हैं कि आई हैव 2 डजन्स एग, मेरे पास 2 दर्जन अंडा, तो आपको गलत हो जाएगा। वहां पर बोलना पड़ेगा आई हैव 2 डजन एग, ठीक है, डजन्स नहीं बोलना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर करता हूँ मैं सब पॉइंट। देखिए यहाँ पर वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लुरल, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है शॉर्ट में लिखा, सब्जेक्ट प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल, किंतु किंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और एक चीज देखिएगा, अभी हम हाल ही में एमटीएस का प्रीवियस ईयर कराए थे, उसमें ये एक चीज आया हुआ था, वन ऑफ के बाद जो भी है वो सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री समझ रहे होंगे ना, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा वो सुपरलेटिव। वन ऑफ के बाद जब भी आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा, है ना, कुछ भी चीज। और देखो वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लुरल किंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या है, बॉयज लगा, ठीक है, तो यहाँ पर आर होना चाहिए था, बट ऐसा रूल नहीं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप ये ए बनाते हैं वन ऑफ, और एक चीज और, वन ऑफ के बाद क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, वन ऑफ द बॉयज आर कमिंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लुरल किंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था, ठीक, क्लियर है। देख यही सब चीज रिपीटेशन होगा फिर सिंटेक्स में, देखो वो चीज डिपेंड करता है नाउन पर, और नाउन के अनुसार वहां पर वर्ब होगा, इसलिए बहुत सारा चीज जो होगा नाउन और सिंटेक्स में मिलते मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर कर दूं। फिर आइए देखिए, देखिए मील का अर्थ भोजन होता है, मिल का अर्थ भोजन होता है, जबकि मिल्स, जबकि मिल्स का अर्थ लंच तथा डिनर होता है, लंच तथा डिनर होता है। एग्जाम्पल में जैसे मैं बोलू आई टुक मील्स, तो मतलब क्या, मैंने लंच और डिनर, एक मिनट इसको टेक करो,
आई टेक मील्स, मैंने लंच व डिनर, मैं लंच व डिनर करता हूँ, क्या है? तो भाई एक साथ में एक ही चीज कर सकते हो, लंच या डिनर कर सकते हो ना, तो आई टेक मील नहीं होगा, है ना? क्या होगा? आई टेक मील्स नहीं होगा बल्कि आई टेक मील होगा, ठीक है? आई टेक मील, कोई बोले कि आई एम टेकिंग मील्स, मैं भोजन कर मैं लंच व डिनर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? मील्स का अर्थ लंच व डिनर दोनों होता है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा भाई, एक साथ में तुम एक ही चीज कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे नहीं लगेगा, ओके? डेट इज अ करेक्ट, डेट इज अ रॉन्ग, है ना? आई टेक मिल्स नहीं, आई टेक मिल, ठीक, क्लियर है पॉइंट, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? यू कांट से आई एम टेकिंग मिल्स, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आई एम टेकिंग मील्स, मैं लंच और डिनर कर रहा हूँ। आप एक साथ कैसे कर सकते हैं? दोनों का पार्टिकुलर टाइम अलग है। आप बोलेंगे आई एम टेकिंग मील, मैं भोजन कर रहा हूँ। ओके गुड, मैं क्लियर करूँ? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स क्या? ए हाफ, ए क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स क्या होता? चौथाई भाग या डेरा, दोनों होता है, लेकिन चौथाई भाग यहाँ पर, लेकिन क्वार्टर्स मीन्स डेरा। देखिए तो कभी भी आप बनाएंगे एग्जाम्पल में कि उसने हमें दो और आधा आम दिया, तो क्या बनाएंगे? ही गेव मी टू एंड ए हाफ मैंगोज, ही गेव मी टू एंड ए हाफ मैंगोज, ये गलत हो गया। इसका ये किसके अनुसार पहले न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, तो आप बनाइए इस प्रकार ही, अगर आपको न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन, उसने हमें दो, तो दो क्या हुआ? दो हो गया आपका यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव, और वहां पर फ्रैक्शन, ये हाफ, उसने हमें दो और आधा, आधा यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया, तो ही गेव मी, सबसे पहले टू न्यूमरल एडजेक्टिव लाइए, पहले क्या न्यूमरल एडजेक्टिव, फिर टू, उसके बाद प्लुरल नाउन, उसका प्लुरल नाउन क्या है? मैंगोज, ही गेव मी टू मैंगोज, ठीक है? उसके बाद एंड एंड ए हाफ एंड ए हाफ, ये हुआ सही, ये है सही, ये गलत। ही गेव मी टू एंड ए हाफ मैंगोज, दिस इज रॉन्ग, ही गेव मी टू मैंगोज एंड ए हाफ, क्या? क्लियर है, ठीक है? देखिए लेकिन एक इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर कोई कहे, और यहाँ पर इसका इसका जब यूज हम मल्टीप्लिकेशन में करने लगे कि मैं तुमसे 2.5 गुना ज्यादा बेटर हूँ, है ना? जब मल्टीप्लिकेशन के अर्थ में होगा तब जो है, जो आप ये टर्म अप्लाई किए वो सही होगा, ठीक है ना? परंतु इसमें नोट लिखिए, नोट इसी का नोट है, ठीक है? परंतु जब न्यूमरल एडजेक्टिव तथा फ्रैक्शन का प्रयोग
एंड द्वारा जोड़कर गुना के अर्थ में, गुना के अर्थ में किया जाए, किया जाए तब इसका क्रम इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। ओके, क्या होगा? सबसे पहले रूल होगा, आप न्यूमरल एडजेक्टिव दीजिए, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन, ये सी है बाबू, सी, फ्रैक्शन प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे 2.5 गुना बेटर ज्यादा अच्छा हूँ। आई एम टू, यहाँ पर ज्यादा गुना करते में है ना, आई एम टू एंड ए हाफ टाइम्स, ए हाफ टाइम्स एज गुड एज यू। ओके, आई एम टू एंड ए हाफ टाइम्स एज गुड एज यू, मैं तुमसे कितना 2.5 गुना ज्यादा बेटर हूं। तो इन दिस रिगार्डिंग द न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन प्लस फोल्डर नाउन, क्रम जो होगा इस प्रकार होगा। इससे रिलेटेड क्या होगा, क्रम क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन प्लस फोल्डर नाउन लास्ट में होगा। ऐसे नॉर्मली क्या था, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस फोल्डर नाउन प्लस फ्रैक्शन, लेकिन गुणा के अर्थ में क्रम हो जाएगा, पहले न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस एंड फिर फ्रैक्शन फिर प्लूरल नाउन। ओके, ठीक है। देखिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, S U double M O N S, समोन्स, समोन्स भी होता है, समोन्स बुलावा, समोन्स बुलावा, ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है। देखिए, S लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लुरल है, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, जबकि S U double M O N S E A समान सेज, प्लुरल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, समॉन्स ये एस लगा है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि ये प्लुरल है, वर्ड है, इसका मतलब है बुलावा, ये ब बुलावा। ठीक है, जैसे ए समॉन्स वाज इश्यूड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा आपको क्या आया, बुलाहट आया है, जाइए, समॉन्स वाज इश्यूड बाय द कोर्ट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वही क्या करते हैं आप लोग, इसमें एस यू डबल एम ओ एन एस समोन्स, इसको पुलर बना द वे वॉ इश्यूड, देख भाई एस लगा था पुलर होगा, बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट, तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या होता है एब्सोल्युटली या रॉन्ग, क्योंकि यह क्या है, समोन्स यह सिंगुलर है ना, जबकि समोन सेज एस यू डबल एम ओ एन एस सी एस ये प्लूरल है। ठीक, क्लियर, समोन्स मीन्स बुलावा सिंगुलर होते हैं, ठीक, समोन सेज
होते हैं समॉन्स वाज इश्यूड बाय द कोर्ट। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखें। है तो बहुत सारा और चीज़ कुछ बताना था, जितना पढ़ा है इसमें अभी और उतना पॉइंट था, बट नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो बस एट लास्ट इतना ही कहेंगे कि प्लीज, जब तक आप नहीं चाहेंगे हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम करना ऐसा नहीं, मोटिवेशन ये चीज़ है। ऐसा तो नहीं कि हमें पैसा मिलता है कुछ ऐसा, तो कहने के आप जब तक उधर से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे तब तक काम करने मजा नहीं मिलता। सो प्लीज, और ये कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, आप रिस्पॉन्स दीजिए, कहीं ना कहीं हमें भी एक पिंच, एक थोड़ा सा पिंच मिलेगा था हमको, और आपका एक पिंच हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, काम करेगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिए आप लोग। ओके, बाय, टेक केयर।